मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूं और प्रतीक्षा करता रहता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 4 अक्टूबर 2018 पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 21 से 27 तक। मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो क्योंकि प्रभु के हाथ ने मेरा स्पर्श किया है। तुम ईश्वर की तरह मुझे क्यों सताते हो? तुम मुझे क्यों निगलना चाहते हो? ओह, कौन मेरे ये शब्द लिखेंगे? कौन उन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूं कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं स्वयं ने उसके दर्शन करूंगा, मेरी ही आंखें उसे देखेंगी, मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत लुकस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 12 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां की रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां के बाजारों में जाकर कहो,
अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदम की दशा कहीं अधिक सहन्या होगी। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।